सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट फूड स्टूडियो। माय नेम इज प्रदीप सुल्तान। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो बेसिल सूप इटालियन सूप है। शेयर करते हैं रेसिपी टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, टमाटो बेसिल सूप के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुछ फ्रेश टमाटो और हमें चाहिए होगा प्याज। एक प्याज हमने ले लिया है यहाँ पे और आधा गाजर ले लिया है, फ्रेश बेसिल, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, वाइट पेपर, चॉप गार्लिक, वेज ब्रोथ पाउडर। तो ये इंग्रेडिएंट्स होंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं, सबसे पहले टमाटो को कटिंग करते हैं। कट कर लेंगे 1x4 करेंगे हम इसको, इसकी ट्रिप हटा लेंगे ऊपर की। तो इस सारे टमाटर काट लीजिए और टमाटर को रोस्ट करके भी बनाते हैं और पैन में टोस्ट करके भी बनाते हैं। तो हम पैन में बनाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, 8 से 9 टमाटर हमने काट लिए, तो एक बॉल में इसको हम रख लेंगे। अब हम काट लेंगे प्याज, तो प्याज को छील लेंगे पहले। तो यहाँ पे 2 सूप कप हम बनाने जा रहे हैं सूप, तो उसके लिए एक प्याज इनफ होगा। तो फाइन चॉप करेंगे हम इसको। इस तरह से सारा प्याज चॉप कर लेंगे आप। गाजर थोड़ा इसको छील लेंगे पहले, वॉश हमने पहले ही वेजिटेबल सारी कर ली थी। पहले ऐसे सैलेड की तरह हम स्लाइस निकालेंगे। फिर ऐसे करके जूलियन करके इसको हम चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से गाजर भी चॉप कर लीजिए फाइन। तो कैरेट हो चुकी है चॉप, अब हम कर लेंगे अपनी फ्रेश बेसिल को चॉप कर लेंगे। तो बेसिल भी हो गया है चॉप, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तीनों को। और ये कुछ बेसिल के डंडे हैं जो हम सूप में डालेंगे। टमाटो सूप बनाने के लिए एक पैन हमने चढ़ा लिया है, तो उसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे हम बटर 1 चम्मच, फिर डाल देंगे हम अपना प्याज, थोड़ा सा इसको स्टेयर करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन होता है, फिर हम डाल देंगे अपना चॉप कैरेट और गार्लिक, 2 चम्मच गार्लिक डाल देंगे हम बड़े, अच्छे से इसको स्टेयर करेंगे। फिर इसमें हम डाल लेंगे बेसिल की डंडी और 1 स्पून हम डाल लेंगे सॉल्ट। तो अच्छे से इसको स्टेयर कर लेंगे और ब्राउन होने देंगे। तो देख रहे होंगे ऑनियन गार्लिक कैरेट ब्राउन हो रहा है हल्के हल्के। तो अब हम कर देंगे अपना टमाटर ऐड, जो 8 से 9 टमाटर काटे थे हमने। तो इस तरह से इसको भून लेंगे। अगर डायरेक्ट आप पानी डाल देते हो टमाटर में तो डाइल्यूट नहीं होते अच्छे से, पकता नहीं है टमाटर। ये ऑथेंटिक रेसिपी है रेस्टोरेंट होटल स्टाइल की टमाटो बेसिल सूप बनाने की। तो इसको इसी तरह से अच्छे से हम भूनते रहेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे 1 से 1.5 मिनट हुआ है, टमाटर गलने लगा है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे वेज ब्रोथ पाउडर 2 टीस्पून, वाइट पेपर 2 टीस्पून, थोड़ा सा हम सॉल्ट और डाल लेंगे टेस्ट अनुसार, स्टेयर करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अब इसे किसी लैडल की मदद से
थोड़ा ऐसे हम तोड़ देंगे टमाटर को। देख रहे होंगे टमाटर मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, तो इस तरह से इसको मेल्ट कर लेंगे हम पूरा। तो 5 से 10 मिनट इस प्रोसेस में आपको लगेगा टोटल। इस तरह से पूरे टमाटर को हम मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे टमाटो हो चुका है पूरा, एकदम गल गया है। तो अब चलते हैं इसको पीसने, मिक्सी में हम पीस लेंगे। और अगर आप पे मिक्सी ना हो तो आप इसमें पानी डाल के उबाल के टमाटो को छान सकते हैं, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो थोड़ा सा जो हमने बेसिल काटा था वो हम डाल लेंगे। एक अच्छी फ्रेग्रेंस बेसिल की आए, पकाना नहीं है बेसिल को, सीधा हम डायरेक्ट इसको ठंडा करके पीस लेंगे। तो एक मिक्सी के जार में इसको हमने डाल दिया है, तो पीस लेते हैं इस तरह से, फाइन पेस्ट कर लेंगे हम। देख रहे होंगे बिल्कुल फाइन पेस्ट हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। तो अब चलते हैं टमाटो सूप को सेट करने। तो फ्रेंड्स सूप में हम मार लेंगे थोड़ा सा तड़का बेसिल का, थोड़ा सा हम डालेंगे बटर और डालेंगे अपना फ्रेश बेसिल। और हम डाल लेंगे जो हमने पीसा हुआ सूप था, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी। अब इसको थोड़ा हम पका लेंगे। तो ये विदाउट मैदा वाला सूप होता है प्योर टमाटो का, घर पे भी इजीली बना सकते हैं आप ऑथेंटिक सूप। तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स एक अच्छी कंसिस्टेंसी आई है सूप में। इसका ऊपर का जो स्कम है ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया होते हैं पूरे, जो भी खाने में गंदगी होती है वो ये होता है झाग। तो इसको ज़रूर से निकालना है आपको हर खाने में, चाहे वो दाल हो सब्जी हो, जैसे इसको स्कम बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट सूप पकाया है, तो फाइनल टच में हम डाल देंगे थोड़ा ब्लैक पेपर क्रश 1 टीस्पून, 1 स्पून हम डाल देंगे बटर। देख रहे होंगे कलर भी बहुत अच्छा आया है सूप का। तो फाइनली हो चुका है सूप रेडी। तो अब चलते हैं इसको प्लेटिंग करने सूप बॉल में। प्रोटॉन्स डाल लेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी टमाटो बेसिल सूप, इटालियन रेसिपी थी, इटालियन डिश थी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैनल में मिलते हैं आपको ऑथेंटिक होटल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन यू वॉचिंग माई वीडियोज़, पीएस फूड स्टूडियो, योर फ्रेंड्स।